नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम आपके साथ आ चुके हैं एक बार फिर और बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के। दोस्तों भारी मात्रा में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई, उस बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स महिला बहुउद्देशी कार्यकर्ता ANM सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी व अन्य समक्ष पदों पर सीधी भर्ती व बैकलॉग सीधी भर्ती होती संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023। जिसकी आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि यहां पर 15/3/2023 से इसके आवेदन होना स्टार्ट हो जाएंगे। वही लास्ट डेट की बात करें तो 29/3/2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। दोस्तों अगर आपको इसमें फॉर्म गलत हो जाता है, आपको संशोधन कराना है, तो आप 4 अप्रैल तक आप इसमें संशोधन करा सकते हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आ रही है, दोस्तों इसमें परीक्षा तिथि भी दे दी गई है, आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, आपको परीक्षा तिथि का इंतजार नहीं करना होगा। दोस्तों 17/6/2023 यहाँ पर परीक्षा तिथि रखी गई है। दोस्तों 17/6/2023 को आपको इसका एग्जाम भी करा लिया जाएगा। भाई दोस्तों इसकी बात करें आवेदन शुल्क के बारे में, तो आप यहाँ जैसा कि देख सकते हैं अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 500 रुपये देने होंगे। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस देनी होगी। दोस्तों आपकी परीक्षा जो है वो ऑनलाइन होने वाली है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी भी दे दी गई है परीक्षा की। जैसा कि आप देख सकते हैं डेट यहाँ पर 17/6/2023 प्रथम पाली। दोस्तों आपको अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग का समय 7 बजे से 8 बजे तक है। भाई 8 से 9 बजे तक यहाँ पर 10 मिनट महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय है। दोस्तों भाई 9 बजे से आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाला है, आपका 9 बजे से 11 बजे तक एग्ज़ाम होगा। भाई दोस्तों सेकंड मीटिंग की बात करें तो दोस्तों आपको जो 3 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, आपका 3 बजे से 5 बजे तक एग्ज़ाम है। दोस्तों आपको इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। दोस्तों इसमें सिलेबस के बारे में बात करें तो आप जैसा कि देख सकते हैं समूह 5 प्रश्न पत्र संख्या आपका 1 प्रश्न होने वाला है, कुल 100 अंकों का प्रश्न होगा। दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान व सामान्य अभिरुचि में 25 नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। वहीं आपकी तकनीकी ट्रेड पर आधारित 75 नंबर का रहने वाला है। जैसे कि दोस्तों आपने फार्मासिस्ट किया तो अपने फार्मेसी से रिलेटेड आपको 75 नंबर का रहने वाला है। वहीं आपके लिए 25 नंबर का सामान्य हिंदी व सामान्य ज्ञान व अन्य विषयों से रहने वाला है। अगर दोस्तों बात की जाए इस भर्ती में एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट 1 जनवरी 2023 को यहाँ पे 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। भाई दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 5 साल तक की छूट भी मिल रही है SC ST के कैंडिडेटों के लिए। तो आप 45 SC ST में आते हैं, 45 साल की एज तक के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए टोटल वैकेंसी के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सीधी भर्ती बैकलॉग सीधी भर्ती व अन्य रिक्त पद, टोटल यहाँ पर जो पद हैं दोस्तों सीधी भर्ती यहाँ पर जो अभी है वो 3054 पोस्ट है। भाई बैकलॉग यानी कि जो पिछली कोई कुछ वैकेंसी थी वो 1738 वैकेंसी है। दोस्तों अगर टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो 4792 टोटल वैकेंसी है यहाँ पर। चलिए दोस्तों देखते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टाफ नर्स की यहाँ पर टोटल 131 पोस्ट हैं। भाई ANM की भी यहाँ पे 261 पोस्ट हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फार्मासिस्ट के बारे में। दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट और कंपाउंडर की जो टोटल पोस्ट है वो यहाँ पर 554 पोस्ट हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड नंबर पर 554 पोस्ट फार्मासिस्ट की रखी गई है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट रखी गई है। दोस्तों किस हॉस्पिटल में कितनी पोस्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो फार्मासिस्ट Grade 2 यहाँ पे कुछ इंदौर में कुल 40 पोस्ट हैं। दोस्तों चलिए और भी देख लेते हैं। दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों आप अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप 20 नंबर पे यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 यहाँ पर 7 पोस्ट हैं भोपाल में दोस्तों। दोस्तों भोपाल में यहाँ पे 2 जगह और भी पोस्ट हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की, जैसा कि 250 पोस्ट और 222 पोस्ट यहाँ पर टोटल रहने वाली हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट आई हैं दोस्तों। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो दोस्तों आपको अप्लाई करना चाहिए दोस्तों, ऐसे मौके आपके लिए बार बार नहीं मिलेंगे दोस्तों। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 यहाँ पर कुल पद यहाँ पर 3 पोस्ट रखी गई हैं। चलिए और भी देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट में दोस्तों आप यहां पे भी देख सकते हैं 77 नंबर पे आप फार्मासिस्ट ग्रेड 2 19 पोस्ट दोस्तों यहां पे रखी गई हैं फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट भर्ती के लिए कुल 7 पोस्ट कोड रखे गए हैं, जिसमें 3 20 26 28 29 39 और 77 फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए यहाँ पर पोस्ट कोड रखे गए हैं दोस्तों। चलिए हम इसमें देख लेते हैं, इसमें यूआर के लिए 1 वैकेंसी है भाई, वही ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 9 वैकेंसी है यहाँ पर। और देख सकते हैं अनुसूचित जाति एससी के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है भाई, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 5 पोस्ट है भाई, ओबीसी के लिए यहाँ पर 24 पोस्ट है भाई। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों टोटल यहाँ पर 40 पोस्ट है भाई। वेतन के बारे में बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 25,300 से 80,500 यहाँ पर वेतन रहने वाला है दोस्तों आपका पोस्ट कोड 3 में। चलिए और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल अथवा इन प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से उन विषयों के साथ हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जो फार्मेसी की डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनिवार्य हो। मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी उपाधि डिप्लोमा व मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन होना आपका अनिवार्य है दोस्तों। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि दोस्तों यहाँ पर जो एमपी वाले ही स्टूडेंट है वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्य किसी राज्य के स्टूडेंट इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये बात यहाँ पर कंफर्म कर दी गई, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश फार्मेसी परिषद में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है दोस्तों। जो एमपी के स्टूडेंट होंगे वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, उन्हीं का मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो के अंत में बात करें परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर कुल 17 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र रखे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। दोस्तों टोटल यहाँ पे 17 परीक्षा केंद्र रखे गए हैं दोस्तों। जो आपकी परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होने वाली है दोस्तों, इसमें डेट भी फिक्स कर दी गई है दोस्तों। दोस्तों ऐसी भर्ती से जुड़ी अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। ऐसी भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट हम आपके लिए पल पल लाते रहते हैं दोस्तों। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तो देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी। थैंक यू।